दोस्तों अभी मैं घरेलू हिंसा यानी DV सेक्शन 12 की से लेकर सेक्शन 23 तक की सीरीज चला रखा हूँ पूरी दोस्तों। काफ़ी लोगों की इसमें काफ़ी दिक्कत आती रहती है, घरेलू हिंसा केस का मैटर सबसे ज़्यादा बनता है, तो हर किसी की डिमांड थी कि सर आप DV की एक सीरीज चलाइए जिसे कंप्लीट कीजिए पूरी। तो जितने भी मैं दो पार्ट बना चुका हूँ पूरा प्रोसेसिंग में, तो वीडियो व आई बटन में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले दोनों पार्ट को आप देखना है, उसके बाद में थर्ड पार्ट ये देखना है, और आपको कॉमेंट में पूरे जितने भी आपके सवाल है पूरे कॉमेंट में छोड़ना है, लेकिन नंबर कभी भी कमेंट मत छोड़िए। आपके जितने सवाल है DV से रिलेटेड जितने भी हैं, और जो DV से रिलेटेड सवाल आते जा रहे हैं उनको भी मैं वीडियो पुटअप करता जा रहा हूं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी सवाल है उनको कमेंट में छोड़ते जाइए, क्योंकि उनसे रिलेटेड मैं आगे आप पे वीडियो बनाता रहूँगा, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपके जो भी सवाल है उनको उसमें इंक्लूड करता चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसलेशन पीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो सवाल आता है कि सब्सक्राइबर का आया था, उसको एक साल तक की सज़ा भी हुई थी, 20,000 का जुर्माना भी हुआ, और ये क्या कानून में भी है, क्या DV केस में भी है? कल मैंने एक पार्ट बनाया था कि सर DV केस में तो सजाएँ नहीं होती, फिर कैसे सजा हो गई? तो इसका मैं एंड में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि DPO होता है क्या है, ठीक है, DIR की रिपोर्ट क्या होती है, तो इन दोनों पे पहले डिस्कशन करेंगे, ये कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है इस पे पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे। देखो DIR रिपोर्ट ये चलती है हरियाणा दिल्ली साइड में, जो कि DPO बनाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, जिसे 498 केस में IO होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, कोई घरेलू हिंसा घटी है या नहीं घटी है, और वह कोर्ट में पेश करता है, और उसके बाद में आपको सम्मन जारी किया जाता है। कहीं जगह क्या होता है दोस्तों कि पहले सम्मन हो जाता है, उसके बाद रिप्लाई दिया जाता है, और रिप्लाई देने के बाद फिर DPO यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर उसमें हायर किया जाता है। हर जगह का अलग 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 स्टेट बाई स्टेट का जो फॉलो किया जाता है अलग अलग जगह, लेकिन होता है सेम ही प्रोसेसिंग होता है दोस्तों, कभी पहले उसे हायर कर दिया जाता है, कभी बाद में उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। तो यह पूरी सिचुएशन होती है जो कि DIR रिपोर्ट होती है, डोमेस्टिक इनसाइट रिपोर्ट बोला जाता है दोस्तों इसमें, जो कि घरेलू हिंसा में जैसे 498 केस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, उसी प्रकार से घरेलू हिंसा में भी एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, और उसकी पूरी चालान तैयार करके कोर्ट में पेश करता है। उसके बाद अगर मुकदमा बनता है तो कहीं जगह एडवांस में DPO हायर कर दिया जाता है, कहीं जगह रिप्लाई देने के बाद में हायर किया जाता है, तो DPO की रिपोर्ट के आधार पे ही आप पे सम्मन जारी किया जाता है, और उस पे उसके बेस पे ही फिर आपका आगे कोर्ट में ट्रायल चलता है। अब ये जो DPO की रिपोर्ट होती है, DIR रिपोर्ट जो होती है, वो सेक्शन 12 में कोर्ट में पेश होती है, उसके बाद में सम्मन आता है, सम्मन आने के बाद में दोस्तों आपको कोर्ट में रिप्लाई देना पड़ता है कहीं जगह, या पहले आपको सम्मन आ जाता है, कहीं स्टेडियम में ऐसा भी होता है कि पहले सम्मन आता है उसके बाद में DPO हायर होता है, वो रिपोर्ट पेश करता है, और उसके आगे ट्रायल चलता है दोस्तों। अब दोस्तों प्रोसेसिंग में बात कर लेते हैं, आगे का जो टॉपिक आपका सबसे महत्वपूर्ण कि सर इसमें सज़ा कैसे हुई। देखिए मान लीजिए जो DPO ने आपकी DIR रिपोर्ट बनाया है, रिपोर्ट आपके अंगेंस्ट चली गई है, या फिर सेक्शन 12 में आपके कोई इंट्रीम ऑर्डर पास हो चुके हैं, वो इंट्रीम ऑर्डर की आप पालना नहीं करते हो, सेक्शन 12 में अगर आप किसी भी प्रकार जैसे प्रोटेक्शन आपकी वाइफ को मेंटेनेंस दिलाया गया, घर में रहने का अधिकार दिया गया, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं रखते हो, तो DV सेक्शन 31 के तहत आपको एक साल तक की सज़ा, साथ में 20,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, अगर कोर्ट ने DV केस में आपके विपक्ष में कोई ऑर्डर दे दिया और उस बात को अगर आप मानते नहीं हो, कोर्ट की बात को आप नहीं कर रहे हो, तो कंटेम्प्ट टू कोर्ट के साथ में आपको एक साल की सज़ा और 20,000 तक का जुर्माना आपको दिया जाएगा। जी हाँ, लेकिन ये सज़ा कब हुई, जब आप कोर्ट की ऑर्डर को नहीं माने उसके बाद में आपको ये सज़ा होती है दोस्तों, पहले नहीं होती, पहले इंट्रीम ऑर्डर होते हैं, इंट्रीम प्रोटेक्शन होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है पति को, उसको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अगर वो फॉलो नहीं करता है, कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि महिला को घर में रहना है, महिला को इतना मेंटेनेंस देना है, और उसके बावजूद भी अगर पति नहीं दे, तो उसके बाद उसे 20,000 तक का जुर्माना और एक साल तक की सजा से पारित किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि DPO में कभी कब जेल आपको हो सकती है, कब नहीं हो सकती है। पहला पार्ट आप जरूर देखना दोस्तों, पूरी डिटेल में बनाया हो ए से लेकर जेड तक, मतलब फाइल होने से लेके एंड तक मैंने वीडियो बनाया था, उसका आई बटन में लिंक है, एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि DV के हर एक पार्ट को आपको कवर करना है, हर पार्ट को अच्छे से समझना है, बारीकी से आपके जितने भी सवाल आ रहे हैं उनसे रिलेटेड मैं एक एक सवाल लेता जा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में छोड़ते चलिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।